लोड ले ले, ये स्टैंड पीछे गया है और इधर आना, ये पीछे स्टैंड है जो कि उसको वेल्ड करके इन्होंने नट बोल से टाइट किया है, जो कि कंपनी देता है इनबिल्ट कि आप ड्रिल करके, तो ड्रिल तो हम कर नहीं रहे तो यहीं पे स्लॉट बनाया है नट बोल्ट का, तो प्रॉपर एक हार्डी लुक देता है ये, ठीक है। तो ये एक स्टैंड है, डिजिटल स्टैंड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज का जो वीडियो है ना वो एजुकेशनल वीडियो नहीं होने वाला है, आज की वीडियो सिर्फ हेल्प करने के लिए है। जो भी हमारे प्रोफेशनल या फिर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर या फिर जो भी ऐसे लोग जो डिजिटल पैनल को ले रखे हैं, उनको एक हेल्प करनी है। हेल्प ये है कि ये डिजिटल पैनल बहुत कॉस्टली आता है और इसके साथ एक वॉल माउंटिंग मिलता है, तो उसको आप या तो वॉल में इसको माउंट कराओगे, और अगर आपकी दीवार मजबूत नहीं है तो दीवार के साथ गिर जाएगा, क्योंकि इसका वेट होता है 50 से 60 किलो। अगर आप गांव में हो, क्योंकि गांव में भी डिजिटल पैनल बहुत लोगों ने ले लिया है, तो वैसे में क्या है कि आपके पास एक ज़रूरत पड़ेगा डिजिटल स्टैंड का। और अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट में अगर आप जाते हो तो ये स्टैंड जो है ना वो कम से कम मिलेगा आपको 15 से 20 हज़ार का। तो 1.25 लाख रुपये आप इसमें लगाए हो, 15-20 हज़ार के स्टैंड लगाओगे तो कितना पैसा खर्च करोगे। मैं भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुआ कि यार इतना ज़्यादा कॉस्टली ये लोग बना रहे हैं, तो मैंने लोकल मैन्युफैक्चरर से बात किया तो उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया, ठीक है। इन्होंने मात्र 5500 रुपये लगाए ओवरऑल कॉस्ट लेके डिलीवरी तक यहाँ के लेके, कहाँ 20 हज़ार हो कहाँ 5 हज़ार, तो इन्होंने मेरा 15 हज़ार बचा दिया। तो मुझे लगा कि यार ऐसे जो भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं या जिनके पास डिजिटल पैनल है उनको ये हेल्प ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो अंधा पैसा लोग मार्केट में लूट रहे हैं। तो अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरर से बनवा सकते हो तो ये ज़रूर बनवाओ वैसा करके, क्योंकि पैसा बच जाएगा। और वो ना बस ऐसा बोलते हैं कि सर लोकल से बनवाओगे तो लोड नहीं लेगा, भाई हाई स्पीड स्ट्रेंथ HSS स्टील का ये मटेरियल का बना हुआ है, ये एक एक टन का लोड ले लेता है ये, एक एक टन का। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ले लिया है तो अगर आपको ऐसा स्टैंड चाहिए तो लोकल मैन्युफैक्चरर से बात करो, या फिर एक नंबर मैंने दे रखा है इस नंबर पे कॉल करोगे तो मैं उन मैन्युफैक्चरर से बात करके आपके घर तक डिलीवरी भी करवा दूंगा, ठीक है। प्राइसिंग इसकी मात्र 5000 के आसपास है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, घटते बढ़ते रहता है कॉस्टिंग मटेरियल का, लेकिन 5000 के आसपास है और प्लस डिलीवरी चार्ज जो लगेगा सो लगेगा। तो ये और खास कर इसमें क्या फीचर क्या है कि इसमें उन्होंने चक्का लगा के दिया है, अगर आप देखोगे तो ये आगे पीछे मूव भी कर सकता है, ठीक है ऐसे। तो ये और इसमें दो बंदे की ज़रूरत नहीं है, एक बंदा भी एक रूम से या हॉल में जहाँ चाहे वहाँ इसको आराम से डिस्प्लेस कर सकता है। तो आप पर्पस समझ गए होगे, ये वीडियो सिर्फ हेल्प करने के लिए है। जहाँ भी हो मैंने जितना पढ़ाया है वो भी टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया है, ये भी मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपके पैसे बच जाएँ। तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो डिजिटल कंटेंट क्रिएट करते हैं इस डिजिटल पैनल के माध्यम से, तो उनका पैसा बच जाएगा। ये स्टैंड आप मगर इस नंबर पे जो दिया हुआ है कॉल करोगे तो आपको एक प्राइसिंग बता देंगे वो, और मोटा मोटी मान के चलो 5000 से अंदर ही आपका ये पूरा हो जाएगा। डिलीवरी चार्ज जो लगेगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो आप खुद देख लेना, या फिर आप यहाँ ये जिस नंबर से बात करोगे वो बता देंगे, लेकिन ओवरऑल 5000 के आसपास आपका ये पूरा स्टैंड मिल जाएगा, जो कि मूवेबल भी है, फिक्स नहीं है, और स्ट्रेंथ 1 टन का लेगा ये, 1 टन का स्टैंड। तो बेवजह का 15 से 20 हज़ार रुपये वेस्ट करना आप बंद करो, और हो सके तो ऐसा ही स्टैंड लो जो कि स्टडी भी हो और हाई स्पीड स्ट्रेंथ भी इसमें लगा हो, ठीक, और आपके काम को भी फुलफिल करे, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ इसी पर्पस के लिए था, इसको शेयर कीजिए प्लीज़, उन तक शेयर कीजिए जो डिजिटल कंटेंट क्रिएट करते हो, ठीक है। कम कॉस्ट में उनको एक बेटर चीज़ मिलेगा जिसको वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे, ठीक है। बाकी ये छोटा सा मेरा एक सेटअप है रूम का, जहाँ पर मैं डिजिटल कंटेंट क्रिएट करता हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, फेसबुक का हो, या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए हो, अनअकैडमी के लिए हो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा प्यारा सा मैंने सेटअप बनाया हुआ है, ये कभी अगर कोई गेस्ट आते हैं उनका इंटरव्यू लेना हुआ तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे हमने बना रखा है, ठीक है। और अगर आपको मैं डिजिटल पैनल का ये स्टैंड का थोड़ा ब्रीफ दिखाता हूँ नज़दीक से, एक बार दिखाना, ये इस तरह के फॉर्मेट का बना हुआ है ताकि लोड ले ले,
ये स्टैंड पीछे गया है और इधर आना, ये पीछे स्टैंड है जो कि उसको वेल्ड करके इन्होंने नट बोल से टाइट किया है, जो कि कंपनी देता है इनबिल्ट कि आप ड्रिल करके, तो ड्रिल तो हम कर नहीं रहे, तो यहीं पे स्लॉट बनाया है नट बोल्ट का, तो प्रॉपर एक हार्डी लुक देता है ये, ठीक है। तो ये एक स्टैंड है, डिजिटल स्टैंड है। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, या आपके ऐसे लोगों को जिन्होंने डिजिटल पैनल ले रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और उम्मीद करता हूँ ये आपके बहुत पैसे बचाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।